मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी जीवन में छोटी छोटी चीजें भी हमें बहुत बड़ा संदेश दे जाती हैं। अब देखिए ना, मीडिया में ही स्कूबा डाइवर्स की एक स्टोरी पढ़ रहा था। एक ऐसी कहानी है जो हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। विशाखापट्टनम में गोताखोरी का प्रशिक्षण देने वाले स्कूबा डाइवर्स एक दिन मंगामारी पेटा बीच पर समुद्र से लौट रहे थे, तो समुद्र में तैरती हुई कुछ प्लास्टिक की बोतलों और पाउच से टकरा रहे थे। इसे साफ करते हुए उन्हें मामला बड़ा गंभीर लगा। हमारा समुद्र किस प्रकार से कचरे से भर दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से ये गोताखोर समुद्र में तट के करीब 100 मीटर दूर जाते हैं, गहरे पानी में गोता लगाते हैं और फिर वहां मौजूद कचरे को बाहर निकालते हैं। और मुझे बताया गया है कि 13 दिनों में ही, यानी 2 सप्ताह के भीतर भीतर, करीब करीब 4000 किलो से अधिक प्लास्टिक वेस्ट उन्होंने समंदर से निकाला है। इन स्कूबा डाइवर्स की एक छोटी सी शुरुआत एक बड़े अभियान का रूप लेती जा रही है। इन्हें अब स्थानीय लोगों की भी मदद मिलने लगी है, आसपास के मछुआरे भी उन्हें हर प्रकार की सहायता करने लगे हैं। जरा सोचिए, इस स्कूबा डाइवर से प्रेरणा लेकर अगर हम भी सिर्फ अपने आसपास के इलाके को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने का संकल्प कर लें, तो फिर प्लास्टिक मुक्त भारत पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल पेश कर सकता है।